नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। दिल्ली में राजनीतिक सरगर्मियां अचानक तेज हो गई है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर को लेकर के 24 जून को बैठक बुलाई है, जिसमें जितने स्टेक होल्डर्स पॉलिटिकल पार्टीज हैं सबको बुलाया गया है। दूसरी तरफ ममता बनर्जी के हलकारा बनकर के मिल रहे प्रशांत किशोर ने मुंबई में जो शरद पवार से मुलाकात की थी, उसके बाद फॉलो अप मीटिंग की है आज दिल्ली में, और 22 जून को शरद पवार के घर पे राष्ट्रमंच की बैठक बुलाई गई है, जो कभी यशवंत सिन्हा ने बनाया था 30 जनवरी 2018 को। इसमें राजनीतिक और गैर राजनीतिक दोनों तरह के लोग हैं, लेकिन अब की बार जो बैठक बुलाई गई है उसका मकसद है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार को घेरना, क्योंकि 2 साल इस सरकार को बीत चुके हैं और 3 साल कब बीत जाएंगे पता नहीं चलेगा। जिस तरीके से क्षेत्रीय छत्रपों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जगह जगह पे हराया है, उसके बाद क्षेत्रीय दलों को ये लगने लगा है कि कांग्रेस को छोड़ करके यदि हम अलग मंच बनाएं तीसरा मोर्चा टाइप का, तो प्रधानमंत्री को हराया जा सकता है, बीजेपी को हराया जा सकता है। कुछ इसी रणनीति के इर्द गिर्द जो है कल की बैठक होने जा रही है। जैसे ही ये बात कांग्रेस को पता चली, तो चूंकि कांग्रेस इसमें शामिल नहीं हो रही है, गैर कांग्रेसी दलों का की ये मीटिंग है, लिहाजा सोनिया गांधी ने 24 जून को अपने महासचिवों व प्रभारियों को की बैठक बुला ली है। माना जा रहा है कि जुलाई में जो मानसून सत्र होने वाला है संसद का, उसके पहले बुलाई गई इस बैठक में महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा होगा। इसमें डीजल पेट्रोल की आसमान छूती कीमतें, खाद्य पदार्थों की आसमान छूती कीमतें, उसमें भी खास तौर से खाद्य तेल और दाल ने आम आदमी का जीना मुहाल कर दिया है। और सरकार है कि डीजल पेट्रोल के रूप में लोगों के जेब से पैसे काटने में लगी हुई है। कांग्रेस इसको लेकर के काफ़ी तूल दे रही है, जगह जगह धरना प्रदर्शन कर रही है, लेकिन वो मजबूती नहीं आ पा रही है। लिहाजा इस पर भी विचार होगा, कैसे मोदी सरकार को घेरा जाए इस पर भी विचार होगा। जेके पे कांग्रेस ने अपना स्टैंड लगभग क्लियर कर दिया है कि पूर्ण राज्य का दर्जा दे करके वहाँ पर जो चुनाव है वो कराया जाए, तभी जा करके इस मीटिंग का कोई मतलब है। खैर, ये तो हो गई राजनीतिक बात, लेकिन अंदर की बात ये है कि शरद पवार जो है दोहरी चाल चल रहा है। एक तरफ वो यूपीए में है, दूसरी तरफ वो यूपीए से अलग भी तीसरा मोर्चा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। महाराष्ट्र में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं नाना पटोले, लगातार वो वार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम तो अलग चुनाव लड़ेंगे, पहले बीएमसी का अलग चुनाव लड़ेंगे, फिर विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, लड़िए। उसको लेकर के उद्धव ठाकरे बिफरे कि जनता चप्पल मारेगी। तो ये सब जो राजनीतिक गतिविधियाँ चल रही है, ये कहीं ना कहीं शिवसेना और कांग्रेस में जो आपस में तनातनी है उसमें शिवसेना और एनसीपी एक साथ है और कांग्रेस अलग है। ये स्वाभाविक सी बात है कि जब ये बातें मीटिंग गई है तो ये सब बातें भी होंगी, लेकिन कांग्रेस की अंदरूनी कलह जो है वो भी कोई कम नहीं है। खास तौर से चुनावी मुहाने पे खड़े पंजाब में जो कुछ भी हो रहा है उसने कांग्रेस हाईकमान को सोचने पे मजबूर कर दिया कि आखिरकार मनाए तो कैसे मनाए। कैप्टन अमरिंदर इनको नवजोत सिंह सिद्धू को प्रदेश अध्यक्ष बनाने को तैयार नहीं है और नवजोत सिंह सिद्धू डिप्टी सीएम बनने को तैयार नहीं है। फिर से कैप्टन को बुलाया गया है जो कमेटी बनी है उसके सामने और सोनिया गांधी से मिलने के लिए, लेकिन वहां से जो खबरें मिल रही है वो अच्छी नहीं मिल रही है। दोनों पक्ष अपनी बात पे अड़े हुए हैं। इस बीच जब आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल पंजाब पहुंचे तो उन्होंने जो है लगे हाथ तरीके से नवजोत सिंह सिद्धू की तारीफ कर दी और कोई भी लूज कमेंट करने से मना कर दिया। साथ में ये बोल दिया कि कोई भी जो सीएम बनेगा उनकी पार्टी की तरफ से यदि सत्ता में आती है तो वो सिख ही होगा। इसके बाद अटकलें तेज हो गई कि नवजोत सिंह सिद्धू जिस तरीके से विद्रोही तेवर अपनाए हुए हैं, क्या वो आप में जा सकते हैं? क्या पहले भी ऐसी बातें होती रही है? कांग्रेस हाईकमान बुरी तरह से हिला हुआ है। दूसरी तरफ समस्या राजस्थान में है, जहाँ पे कि राजेश पायलट के बेटे जो सचिन पायलट हैं उनमें और अशोक गहलोत में जंग चल रही है। पिछले 1 साल से जंग चल रही है। अशोक गहलोत जादूगर हैं, वो पीछे हटने को तैयार नहीं है, और सचिन पायलट राजेश पायलट के बेटे हैं जो बागी तेवर रखते थे वो भी पीछे हटने को तैयार नहीं। इन्हें मंत्रिमंडल में कम से कम 6 सीटें चाहिए और अशोक गहलोत देने को तैयार नहीं है। लगातार मंत्रिमंडल का विस्तार टालते जा रहे हैं। प्रभारी महासचिव अजय माकन ने जब अशोक गहलोत से बात की तो उन्होंने दिल्ली आना मुलतवी कर दिया स्वास्थ्य का बहाना लेकर के। अब ऐसे में ये भी सवाल उठ रहा है कि
सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी करे तो क्या करे, एक को मनाते हैं तो दूजा रूठ जाता है और दूसरे को मनाते हैं तो फिर पहला वाला रूठ जाता है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। जैसे जैसे राज्यों में और सेंट्रल में हारते चले गए वैसे वैसे हाईकमान, कांग्रेस हाईकमान कमज़ोर होता चला गया। कभी जमाना था कि कांग्रेस हाईकमान के इशारों पर ही मुख्यमंत्री बदल जाया करते थे और अब जो है नेता सुनने को तैयार नहीं है। तो इन परिस्थितियों से कांग्रेस जूझ रही है और दूसरी तरफ जो यूपीए में शामिल घटक दल है वो भी आंख दिखा रहे हैं, जैसे शरद पवार, आंख दिखाने से मतलब है दोहरी चाल चल रहे हैं। तो कांग्रेस को बहुत सोच समझ करके अपना स्टेप लेना होगा। तो अभी तो कहा जा रहा है कि महासचिवों और प्रभारियों की बैठक बुलाई गई है, इसके बाद प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं और जो नेतागण हैं सबकी मीटिंग बुलाई जा सकती है। ये बैठक वर्चुअल होने जा रही है लेकिन कांग्रेस के माथे पर पसीना है, चारों तरफ से घिरी हुई है। मोदी सरकार को घेरना है लेकिन वो खुद बुरी तरीके से घिरी हुई है। देखते हैं कि सोनिया गांधी जब 24 तारीख को बैठक करती हैं तो क्या कुछ असर पड़ता है, क्या राजस्थान और पंजाब का संकट जो है हल होता है, क्या शरद पवार की जो 22 जून को मीटिंग होने जा रही है उसमें कुछ तीसरा मोर्चा की तरफ कदम आगे बढ़ाते हैं, तो फिर कांग्रेस की अगली चाल क्या होगी, इस पर हमारी नज़र रहेगी और जैसे ही कोई अपडेट मिलेगा आपसे साझा करेंगे। आप रहिए न बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।